Good afternoon. अरे गुड आफ्टरनून, चलो शुरू कर लेते हैं. ओके मुझे आप प्रिफरेंस शेयर, अपने कल प्रिफरेंस सब हो गए थे बेटा, अपने कितने सब हो गए इसमें, अभी 1 2 कितने हो गए, 7, ये सारे क्वेश्चन हो गए क्या? चलो अब देखो अपने को इक्विटी वाले सम पढ़ने, अपने को मुझे आता है ये डेप की प्रिफरेंस आपने सॉल्व नहीं किया, कोई भी सम आपने सॉल्व नहीं किया ना, मैक्सिमम मैंने सॉल्व किए. तो एक काम करो सुनो, अपन पहले कुछ मॉड्यूल के समय पहले डिस्कस करते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं. तो मॉड्यूल के समय से आज एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, देन सत्ताईस, देन 28, 29, 30, 31, then 34, इतने सम करें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चार सम पहले खत्म करते हैं. ठीक है, एक ही सम पहले डिस्कस करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? प्रॉपर सम पढ़ के डिस्कस कर दूंगा. एक काम करें तो आप बेस पे पहले तीन तीन सम डिस्कस करते हैं, फिर तीन सम डिस्कस करेंगे, तीन सॉल्व करो, फिर तीन डिस्कस, फिर तीन सॉल्व, चलेगा? तो स्पीड बढ़ेगा अपना. चलेगा, पढ़ लो सबको. बाकी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट सबको पता है, फॉर्मूला पता है आपको? चले 26 को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन 26 पे क्या बोला है, एक्स लिमिटेड हैज 10% परपेचुअल डेप, डेप बोलो या फिर डिबेंचर बोलो, ये 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 लाख का डेप मतलब डिबेंचर आपने इशू किया था, राइट ना, टैक्स रेट कितना दिया 35%, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कॉस्ट ऑफ डेप निकाल, कैसे निकाला है, बिफोर टैक्स एज वेल एज After tax, ये नया पार्ट आपको बताऊंगा मैं, बिफोर टैक्स भी निकाला और आफ्टर टैक्स भी निकाला, कब, अज्यूमिंग दैट डेट इज इश्यूड एट पार, एट अ डिस्काउंट और एट प्रीमियम, कितने केस दिए, तीन, फर्स्ट केस में 100 का शेयर इशू, 100 का डिबेंचर इशू किया 100 में, इशूड क्या होगा पार, सेकंड में 100 का कैसे क्या 90, डिस्काउंट है ना, और थर्ड में 100 का कितने 110, इसे सेकंड केस में करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से कर पाएंगे आप लोग. ठीक है, अब देखो 26 में जो बताना है बेसिकली 26 का सेकंड केस मैं यहां पे निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट मैं पहले निकालूंगा, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, और दूसरा बच्चों मैं यहां पे निकालूंगा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. अब ये आफ्टर टैक्स क्या होता है और बिफोर टैक्स क्या होता है समझिए, मुझे आता है कॉस्ट ऑफ डेप केडी को निकालने के लिए, बोले यहां पे डेप कैसा है, रिडीमेबल है इरिडीमेबल, रिडीमेबल से क्या क्या बेटा, सम किसका है इरिडीमेबल, तो बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला, छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितनी बातें मांगती है, तीन, बोलो क्या क्या चाहिए, एनपी आई और टी, टैक्स एनपी नेट प्रोसीड, पार्ट टू की बात करें सेकंड पार्ट में इशू कैसे क्या, डिस्काउंट 100 का डिबेंचर इशू किया 90 में, हाथ में कितना आ रहा है 90, हाथ में आ रहा है क्या, वो कौन है हमारा नेट प्रोसीड, समझ में आ रहा है क्या. सो फिर बताते हैं इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना बच्चों 10%, किसका 10% फेस वैल्यू कितना आएगा 10, टी मतलब टैक्स कितना आ रहा है 35%, मतलब क्या आएगा 0.35, एक बार एनपी मिल गया, आई मिल गया, टी मिल गया, कन्फर्म केडी
बोलो सर अभी केडी मुझे निकाला है, केडी कौन से बिफोर टैक्स और कौन आफ्टर टैक्स है, मुझे तो अपना केडी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू हंड्रेड, क्या लगता है वो कौन था, बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है या आफ्टर टैक्स है, हमें टैक्स एडजस्ट करना है या कर चुके हैं। आपको याद होगा इंटरेस्ट के ऊपर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टैक्स क्या आता है सेव, वो टैक्स काटने के बाद ये वन माइनस टू क्यों करेंगे टैक्स काटने के बाद मतलब कौन है आफ्टर टैक्स है, तो जब भी बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स तो हमारा रेगुलर वाला फॉर्मूला, और जब भी बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स में ये वन माइनस टी नहीं आएगा, समझा क्या बेटा, तो फिर से बताइए जब भी बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स तो ऊपर कौन आएगा आई इंटू वन माइनस टी, और जब भी बोलेंगे बिफोर टैक्स ऊपर कौन नहीं आएगा वन माइनस टी नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा आई, याद रहेगा, और अब कुछ नहीं बोला है बाई डिफॉल्ट कह लेंगे After tax, वैसे भी अब तक हमने लिया क्या था After tax ही लिया था, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में Before tax ऑफ है दोनों बोले, ऐसे दोनों वैसे हम लोग कर रहे, समझ में आ रहा है क्या। अब बताइए मुझे नेट प्रोसीड कितना बताओ, एनपी कितना बता ना, एनपी 90 है, इंटरेस्ट कितना है 10 और टैक्स रेट कितना है 0.35, चलो कैसे फटाफट 1 माइनस 0.35 0.65 इंटू 10 करो डिवाइडेड बाय 90 कितना आएगा 7.2 एग्जैक्ट आ रहा है, ये केडी कुर आफ्टर टैक्स है। अब मुझे बता बिफोर टैक्स का इंटरेस्ट कितना है 10, कितना नेट प्रोसीड है 90 इंटू 100 कितना आएगा 11.1 एग्जैक्ट वन है आगे वन वन है बराबर है, हो गया। ये सेकंड केस क्या, फर्स्ट सर कर पाएंगे क्या, फर्स्ट में इश्यू एड क्या पार और थर्ड इश्यू एड प्रिम वो कर लाएगा, चलो बाद में लिखो पहले ऑलरेडी सब डिस्कस करते हैं, 26 आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ो, ये सारे सब मॉडल के समय आपके पढ़ा, बता मुझे बच्चों 27 सम किस क्या है, रिडीमेबल इरिडीमेबल इरिडीमेबल, बड़ा फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला, छोटा कितनी बातें चाहिए तीन, क्या क्या चाहिए एनपी आई और टी टैक्स रेट, सबको पढ़ लेते। 5 years ago 5 साल पहले केपीएम लिमिटेड इश्यूड 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट ₹105 बोला एट द प्रीमियम ऑफ 5, क्या बोला है यहां पे डिबेंचर अभी इश्यू किए 5 साल पहले जब इश्यू किया था 5 साल में जब इश्यू किया था 100 का डिबेंचर इश्यू किया था 5 के प्रीमियम के साथ, तो कितने में इश्यू करे 105, तो 5 साल पहले इश्यू करके हाथ में कितने आते हैं 105, 105 तो बाइक कब आए थे 5 साल पहले, और डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है 12%, कोई दिक्कत, और फेस वैल्यू कितना बच्चों 100 है, करंट मार्केट प्राइस कितना है 95। अब जरा कोई बता सकता है मुझे इस समय तीन फिगर्स है 100 105 और 95 फर्क है तीनों में, 100 क्या है 105 क्या है और 95 क्या है, कौन बताएगा अच्छे से मतलब क्या मीनिंग क्या है, हाँ मतलब आज के बाद 95 बराबर है, ठीक है मान लो मेरे पास डिबेंचर है कि मैं छपा कितना है कि मैं छपा कितना बेटा ₹100 वो फेस वाले इश्यू अभी किया 5 साल पहले, 5 साल पहले जब इश्यू किया था अपने हाथ में आए कितने 105, अब 5 साल बीत चुके 5 सालों के बाद वही डिबेंचर मार्केट में भी कितने में रहा है 95, तो 5 साल बाद मतलब अभी उसका कीमत कितना बच्चों 95, ये उसका अभी का मार्केट प्राइस है, समझ में आ रहा है क्या, तो पहले कीमत कितना था
105. अभी केवल कितना है ये समय क्यों बता आगे पता चलेगा. क्या बोला है इफ द कंपनी पेस टैक्स क्रेडिट कितना दिया है 35%. और आपको निकालना है क्या है व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. अंडरलाइन द वर्ड करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा है या करंट कॉस्ट पूछा है. अब इससे फर्क क्या पड़ेगा मुझे तीन बातें मांगते मेरे को. पहले एनपी नेट प्रोसीड कितना एनपी कितना 105 या 95. एनपी का मतलब क्या है नेट प्रोसीड. वो लॉन्ग फॉर्म मीनिंग क्या है डिबेंचर इश्यू करके कितना हाथ में कितना हाथ में आ रहा है 105 हाथ में आए थे. हाँ 105 हाथ में कर 5 साल पहले. आपको निकालना क्या करंट कॉस्ट और डिबेंचर. करंट कॉस्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा कितना पैसा आज हाथ में आएगा मतलब आज हाथ में आ सकता है. कर आज मैं वही डिबेंचर इश्यू करने जाऊंगा मेरे हाथ में कितना आ सकता है 95 बिकॉज ऑफ करंट कॉस्ट. यहां पे एनपी कितना लेंगे बेटा 95. समझ में आ रहा है क्या बच्चों. अरे कलते का कोई दिक्कत. फिर बोलो इंटरेस्ट कितना है. इंटरेस्ट किसका 12% फेस वैल्यू. 100 का 12 बस कितना बच्चा आएगा 12. और टैक्स कितना दिया 35% ना मतलब 0.35. अब केडी निकाल पाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 को पढ़ो 28 को. सेट ऑफ समय यहां पे इश्यू पे डेप्थ ऑफ द इश्यू के यहां पे मेन क्या डेप्थ क्या क्या इट पेस कूपन रेट ऑफ क्या बोला है 50%. ये 15% क्या है. कूपन का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलो नहीं पता लिख लो बेटा. जब बोलेंगे कूपन या कूपन रेट इसका मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो से इंटरेस्ट कितना दिया 15%. डेप्थ कितने में सेल कर रहे हैं डेप्थ सेल एट पार इन द मार्केट. ठीक है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डेट. फर्म का टैक्स रेट कितना दिया 35%. फिर से बताओ इंटरेस्ट कितना है. इंटरेस्ट कितना है 15% ऑफ 100 कितना आएगा 15. टैक्स कितना है मतलब 0.35. और वो कॉस्ट ऑफ डेट निकाला है. अब डिबेंचर सेल कैसे कितने कैसे 2. पहला ऐड क्या बोला है प्रीमियम मतलब 105. दूसरा ऐड क्या बोला है डिस्काउंट 95. कर पाओगे बच्चों पकड़ 2 केस में करना अपने को. मुझे तो पे कौन सा अप्लाई करूं फॉर्मूला आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स. कुछ नहीं बोला बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स वाला करना है 28. इजी है मुश्किल है इजी है. अब 29 को पढ़ो. एड पार दिया 28 लेकिन वो क्या बोला वो बेसिक कंडीशन है. उस एड पार पे उस पे ध्यान मत दो. यहां पे मेन क्या बोला है व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है. कितने इसमें निकाला है 2 को क्लियरली बोला है कि ये 2 केस में आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है. समझा क्या. या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप क्या करो एट पार के लिए कॉस्ट निकालो. ये सबका एक पार्ट हो गया. और फिर एट प्रीमियम के लिए कॉस्ट निकालो और एट डिस्काउंट. तो समय कितने केस हो गए 3 केस हो गए. समझा वैसे भी चलेगा. क्लियर है. चलो 29 को पढ़ो. पढ़ा क्या बोला है एबीसी लिमिटेड इश्यूड 5,012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2016. समझो था नंबर ऑफ डिबेंचर कितने 5,000. 100 का डिबेंचर है इश्यू कैसे किया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. तो 100 का डिबेंचर इश्यू करके हाथ में कितना रहा है
110, जितना हाथ में आ रहा है वो क्या है, नेट प्रोसीड। एनपी कितना 110, हाथ में कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2016, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसका 12%, और वो डिबेंचर मैच्योर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2021। मैच्योर का मतलब क्या है, उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो रहा है, तब क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। मैच्योर होना मतलब क्या, रिपे करना, रिडीम कर, रिडीम कब करें, 1 अप्रैल 2021, कितने सालों बाद, इशू के 2016 में, रिपे कब किया 2021, कितने सालों बाद, 5 सालों के बाद। और क्या बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। चलो बताओ पहले सम किसका है, रिडीमेबल है रिडीमेबल, बराबर है, तो बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला, सम को सॉल्व करने बोले एनपी कितना आएगा, मुझे 5 बातें मांगते ना बच्चों, बोलो एनपी नेट प्रोसीड, इश्यू करके हाथ में कितना रहा, क्यों ईश्वर क्या बोला प्रीमियम, हाथ में 110। रिडमिशन कितने सालों बात कर रहे, नंबर ऑफ ईयर कितने, 5, आरवी रिडमिशन, कुछ बोला है रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, कुछ बोला है क्या बेटा, अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोलो ऑलवेज अज्यूम रिडीमेबल एट क्या होगा, पार, कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट रिडीमेबल एट क्या होगा, पार, तो आरवी कितना लेंगे हम लोग, 100, समझा क्या, कुछ नहीं बोला आरवी कितना आएगा, 100, स्पीड ठीक है, बोलो इंटरेस्ट कितना है, 12% ऑफ फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कितना आएगा 12, और टैक्स कितना 0.35, झिपटेगा। ये 4 सेम मैंने बताया, पहले 4 सेम पूरा करेंगे, फिर आगे बढ़ते, फास्ट फास्ट पूरा करो, पहले काम करो 26 का पहले पार्ट 2 लिख लो, फिर बाकी पार्ट करो, 26 का पार्ट 2 लिख लो, ये 28 में फेस वैल्यू 100 रुपए ले सकता बेटा, क्या हो गया, कैसी वहां पर रखा था, तेरा या किसी और का है, पक्का या दिखा उठा लिया, चलो 26 का पार्ट 2 आ रहेगा, तो पार्ट 1 पार्ट 3 भी पूरा करो,
क्या क्या नोट पे देखना क्यों चलो 26 का फर्स्ट पार्ट क्या ऐड पार बोले ऐड पार के दोनों आंसर क्या रहे बताओ बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कितना 26 ऐड पार में 6.5 और 10% एक आफ्टर बिफोर है और थर्ड केस ऐड प्रीमियम के लिए क्या क्या प्रीमियम के दोनों केस का आंसर क्या रहा 5.90 और 0.09 किसका 26 चल रहा अभी तक 26 हो गया सबका सभी किसके के 26 के आपने बिफोर आफ्टर टैक्स के चलो बाकी आगे बढ़ो फटाफट 27-28 को करो और करो खुद से सिर्फ बड़े लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा खुद से करना आना चाहिए आपको जब तक खुद से नहीं करोगे ट्राई एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होगा और ये सभी सब आपने पहले भी डिस्कस किए किसने 20 सेवन किया सॉल्व बोले 20 सेवन में क्या आ रहा है आपका
8.2105 पक्का क्वेश्चन 20 एकदम इजी जिशान मेरे भाई सबसे इजी का 20 में क्या दिक्कत है एड पार्ट प्रीमियम वही तो है सब कुछ दिया है अप्लाई कर फॉर्मूला और डिस्कस किया अभी अपुन ने सब हो गए खाते क्या खाते को क्या खातक 20 नहीं सभी चार हो गए गुड 28 में बता मुझे 28 में आंसर क्या रहा है प्रीमियम का 9.28 ये प्रीमियम का आ रहा है राइट ना और डिस्काउंट का 26 सबका सेम आ रहा है क्या इजी है एकदम बस आई एन पी आई ओ टी तीन बातें लिखो आंसर आ जाएगा बेटा आपका और 20 ने किसने किया 20 में क्या रहा केडी 29 में क्या क्या मेन सुनो सुनो जब 20 में आप कैलकुलेशन करोगे ना जब नहीं सुनो जब आरवी माइनस एनपी करोगे ना वो निगेटिव में आता है वो माइनस पर लिया क्या आपने तो कितना आंसर 5.5238 ये कितनों का आंसर सेम आ रहा है आंसर गुड जिनका अलग आ रहा है बस चेक करो 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 सब देखो मत समझो कहां तक पहुंचे 20 चल रहा है या हो गया करो करो जम रहा है दो केस है ईश्वर प्रीमियम के लिए हाथ में आएगा 105 एनपी 105 लो ईश्वर डिस्काउंट में हाथ में आएगा 95 तो एनपी 95 बाकी सब तो सेम ही है हो गए सारे गुड Thank you.
तो लास्ट बेंच कहाँ पे पहुंचे? इधर कुछ डाल ले दादा, 29, 28 जमले का नक्की जमते का 57 गुड। इधर ये पीछे ले लास्ट बेंच 29 आ रहा है ओके। जिनका 20 हो गया एक बार 30 को देख लो जमता है क्या 30 आपको, इजी क्वेश्चन है, हो गया गुड 30 हो गया, कर लो ट्राई, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोशिश करो। आंसर आपने चेक किए 28 का, 28 में फर्स्ट किसका आंसर क्या रहा है 9.2857 है और सेकंड किसका क्या रहा है 10.2637 है ओके। जितने बच्चे ऑनलाइन आंसर वेरीफाई करो बेटा, एक बार चेक करो आंसर, वही आ रहेगा आंसर आपके, और 29 का आंसर आ रहा है 5.52 सॉरी, वही आ रहा सबका आंसर। मुझे ना कितने बच्चे अभी 28 कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं अभी तक, तो फास्ट करो, और कितने 29 कर रहे हैं, 29 कर रहे हैं, और कितनों को 28 में दिक्कत आ रहा है, सबको आ रहा है 29, एक बार चेक करो, डाउट बता दो मैं आपको। दिशा ने पहले ट्राई तो कर एक बार, अभी मेरा फाउंडेशन है इंटर, इंटर में खुद से ट्राई करना आना चाहिए, ट्राई करो पहले एक बार, कैलकुलेशन करो प्रॉपर, डेटा सब मैंने बता दिया, सब लिख के दिया, एनपी लिख के दिया, आरवी लिख के दिया, आए बस फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर अप्लाई करना आपको। चलो एक बार 20 चेक करो कैलकुलेशन, 29 के लिए मुझे आता है 28 में इंटरेस्ट कितना बताइए, इंटरेस्ट 12 है ना, और टैक्स रेट कितना है 0.35, फिर बोलो आरवी कितना है 100, एनपी कितना है 110 है क्या, एनपी 110 है, अपन नंबर ऑफ पेयर कितने 5 अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2। अब कैलकुलेशन ध्यान से करो, पहले ऊपर का पार्ट, ऊपर कौन आएगा 1 माइनस 0.35 कितना आएगा 0.65 इंटू 12 कितना आएगा 7.8। अब यहां पर ध्यान से देखो 100 माइनस 110 कितना आएगा माइनस 10 ना बेटा, और माइनस 10 बाई 5 कितना आएगा माइनस 2, ऊपर माइनस 2 आएगा ना वो झिपा क्या 100 माइनस 10 है डिवाइड बाई 5 माइनस 2, सर माइनस किया था क्या, ऊपर कितना आएगा 5.8 आएगा और नीचे कितना आएगा 100 प्लस 110 कितना 105 आएगा ना, अब करो सॉल्व कितना आंसर आएगा इसका 5.5238 खत्म, क्या मुश्किल था, बस कैलकुलेशन ध्यान से करो, इसको समझा कि 29 अभी सुनो एक काम करो बेटा, लिसन टू मी, जिसका 29 पेंडिंग है बाद में कर लो, एक बार अपन 30 और 31 ये दो सब डिस्कस करते हैं फिर आप पूरे कर लो चलेगा क्या, फटाफट सब लोग क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ो फटाफट,
क्वेश्चन 30 पढ़ो। चलो बातें बंद, क्वेश्चन 30 को पढ़ना आपको। पढ़ा क्या आपने? चलो पीक्योर कंपनी 5000 डिबेंचर के नंबर ऑफ डिबेंचर कितने? 5000 को नंबर ऑफ डिबेंचर है, 100 रुपए डिबेंचर है। इश्यू कब किया? 1 अप्रैल 2016 को। टू बी मैच्योर कब हो रहा है? 1 2021 को। मैच्योर मतलब रिपे करेंगे, रिडीम करेंगे। कितने साल? 5 सालों के बाद। इश्यू कब किया? 2016 में। रिपे कब किया? 2021 में। कितना रिपे कर? 5 सालों बाद। और शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 80। और निकाला क्या? कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर और टैक्स रेट दिया। बात नहीं बड़े प्लीज। क्वेश्चन 30 अभी सम के सॉल्व करने के लिए बराबर पूछो फॉर्मूला ना। हमको बनते हैं 5 बातें, एनपी, आरवी, आई, एन और टी। बोलो एनपी कितना आएगा? एनपी कितना आएगा? एनपी मतलब नेट प्रोसीड, जितना हाथ में आएगा। मैंने पहले बताया जब भी सम में दिया होगा मार्केट प्राइस तो क्या बोलेंगे? मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो अपने हाथ में आएगा ना। कोई पूछेगा कितना पैसा हाथ में आएगा तो क्या बोलेंगे? जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस पर डिबेंचर बिकेंगे, उतना हाथ में आएगा ना। बोलो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 80। तो हाथ में कितना आएगा? 80, वो नेट प्रोसीड है। रिडीमशन कितने में कर रहे हैं? कुछ बोला क्या बेटा? रिडीमेबल ऐड क्या होगा? पार। कुछ नहीं बोला। आरवी ऐड क्या? रिडीमेबल ऐड क्या होगा? पार। आरवी कितना आएगा? 100। समझ में आ रहा है क्या? कितने सालों बाद कर रहे हैं? एन कितना आएगा? 5। इंटरेस्ट कितना है? 12% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 12 आएगा ना। और टैक्स कितना है? 35% पॉइंट। कर पाओगे? पक्का। अब चलो 31 को पढ़ो। सब लोग 31 को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ा मुझे 31 सम किसका है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। बड़ा फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला? बड़ा फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या बोला? रीमा एंड कंपनी हैज इश्यूड 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100। 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। और कितने अमाउंट का है? 10 लाख रुपए की इश्यू के ना बेटा। डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट अ 5% डिस्काउंट। ये क्या दे रहे बच्चों? डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर 5% डिस्काउंट के साथ बेच सकते, मतलब क्या ना इसे उतना प्राइस मार्केट में चल रहा है, जितना प्राइस मार्केट में चल रहा है उतने में बेच सकते ना बेटा। कैसे बेच सकते? 5% डिस्काउंट के साथ, मतलब कितने में? तो डिबेंचर को 95 में बेच सकते बोलो, या डिबेंचर का मार्केट प्राइस 95 बोलो, या डिबेंचर इश्यू करके हाथ में कितना आएगा? 95। तो वो कौन है? एनपी। झेपा कर बच्चों, तो 95 देना है या हाथ में आ रहा है? डिबेंचर बेच के हाथ में कितना आ रहा है? 95। वो को नेट प्रोसीड। किसके एनपी में दिक्कत है? डिबेंचर 5 तक का डिस्काउंट के साथ बिक रहे बेटा, तो हाथ में क्या? 95। वो नेट कितना बचा? एनपी कितना है? 95। एनपी 95 आने वाला था, पर साथ में क्या पे करेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। कितना फ्लोटेशन कॉस्ट? क्या दिया? परसेंट में, रुपीज में। तो 95 हाथ में आने वाले थे, 5 के फ्लोटेशन कॉस्ट काटो, हाथ में कितना आएगा? 90। वो को नेट प्रोसीड। सबको समझा क्या बेटा? किसको एनपी में दिक्कत है? हाथ रेस करो। सबको समझा एनपी? अब बाद में क्या बोला?
इट विल ऑल्सो इन फोर्टेशन कॉस्ट हो गया. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. रिडीमेशन कैसे कर रहे? प्रीमियम ऑफ 5%. कितने में? 105 पे. वो कौन है? आरबी. कितने सालों बाद? 10 ईयर्स बाद ना बेटा. और इंटरेस्ट कितना है? 12% 12 आएगा ना बच्चों. और टैक्स कितना है? 50 से मतलब 0.5. अब कर लोगे? चलो फटा दोनों सम पूरे करो. 30 और 31. हो गया दोनों भी. गुड. बोलो 30 में कितना आ रहा है केडी आपका? 13.1111. और 31 में कितना आ रहा है केडी? 6923. किसके दोनों भी हो चुके हैं? गुड. किसका 31 चल रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन और किसका 30 चल रहा है? 30 चल रहा अभी तक. फास्ट करो. ऑनलाइन एक ऐसी ने बताइए कितना को हो गया पूरा? दोनों हुए एक हो गया बताइए मुझे एक बार. और मुझे आता रेशियो के लेक्चर में देखने में बोले थे ना कल ग्रुप शेयर रेशियो लेक्चर शेयर किए थे. कैसे ने उसका रेशियो लेक्चर का कितने लोग रेशियो के लिए नहीं थे? रेशियो टाइम में नहीं थे तो हाथ खड़े करेंगे. जो रेशियो टाइम पे नहीं थे, जो रेशियो के वक्त नहीं थे तो हाथ खड़े करेंगे. कैसे लेक्चर देखना शुरू किया? कितने लेक्चर देखे? 3 लेक्चर देखे, 2 लेक्चर देखे. तो मैं क्या कहता हूं एटलीस्ट उसमें 8 में से पहले 6 लेक्चर देखे खत्म करो तो कल जो पढ़ाऊंगा समझेगा बेटा आपको. राइट ना? कितने लेक्चर उसमें? 7 या 8 कितने हैं? जो भी शेयर करो उसमें एटलीस्ट पहले 5-6 लेक्चर देख खत्म करो तो कल जो पढ़ाऊंगा समझेगा. राइट ना? जो देखना है 7 नहीं का आज देखो लेक्चर देखो बेटा. ग्रुप पे है ना सब लोग? टाइम थोड़े बताओ, ग्रुप पे आ जाएगा थोड़े. मैं बताता हूं, मैं तेजस सर से बात करता हूं एक बार. राइट ना? बात का टाइम ग्रुप पे डाल देता हूं. नहीं पता है पूछता ना पहले वो लेक्चर लेंगे कि नहीं लेंगे. क्या काम है वैसे भी? हाँ संडे भूलता रहेगा संडे भी 2-3 महीना. चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा सबके. किसके बाकी है? डन. चलो हो गया. तो मुझे तो इसके बाद ना
क्वेश्चन नंबर 34 और 36 ये सब प्रिफरेंस शेयर के सेम टाइप से डिबेंचर में क्या ना सेम प्रिफरेंस शेयर के कर पाएंगे सॉल्व। ये घर से करके लेके आइए क्या पक्का कितने खुश हो गए ना। तो ये 34 36 ये होमवर्क के लिए ये पक्का विदाउट फेल कर रहा है मार्क करो उसको होमवर्क मार्क करो चलो लिखा 34 और 36 ये सब प्रिफरेंस शेयर के क्या क्या सॉल्व किया क्या अपन चेक बाद में चेक करते हैं अपन देखो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो सुनो बच्चों कल अपन लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले नहीं है कल हम क्या पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर पढ़ने वाले। ओके चलो टाटा बाय बाय।